बूंद बूंद तेल को तरसा दे इस्लामिक देश, इसराइल को घुटने पर लाकर खड़ा कर दे। इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। भले ही हमास ने जंग शुरू की हो, मगर इसका सबसे ज्यादा नुकसान गाजा के आम जनता को उठाना पड़ रहा है। इसराइल बेकाबू होकर निरंतर गाजा पर बम बरसा रहा है। इसी बीच इस्लामिक क्रांति के नेता और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी ने मुस्लिम मुल्कों से अपील की है कि वो आर्थिक तौर पर इसराइल को कमजोर करें। आयतुल्ला ने कहा कि इसराइल के गाजा पट्टी में चल रहे जुल्मों को खत्म करने के लिए मिलकर कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए इसराइल पर कई तरह की पाबंदियां लागू करनी होंगी, साथ ही उसको तेल और दूसरी चीजों के निर्यात को रोकना होगा। इससे इसराइल दबाव में आएगा और गाजा में अटैक रोकने के लिए मजबूर होगा। आयतुल्ला खुमैनी ने राष्ट्रीय छात्र दिवस और वैश्विक अहंकार के विरुद्ध लड़ाई के राष्ट्रीय दिवस से पहले देश भर के छात्रों के साथ एक बैठक की है। इस दौरान खुमैनी की ज्यादातर बातचीत गाजा पट्टी में चल रही जंग के इर्द गिर्द केंद्रित रही। उन्होंने कहा कि जिस तरह का जुल्म गाजा पट्टी में इजराइल सेना कर रही है वो भयानक है। तमाम अत्याचारों के बावजूद फिलिस्तीन के लोग जिस दृढ़ता और प्रतिरोध को दिखा रहे हैं वो कमाल का है। गाजा में अत्याचार रुके, इसके लिए मुस्लिम मुल्कों को एकजुटता दिखानी होगी। मुस्लिम देश को इस बात पर जोर देना चाहिए कि वो ये है कि गाजा में इसराइल के अपराधों का तत्काल बंद किया जाए। गाजा पर बमबारी रोकने के लिए उनको इसराइल सरकार को तेल और दूसरी चीजों का निर्यात बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, आपको अगर हमारी न्यूज पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। धन्यवाद।